ये लॉकडाउन जब तक है लगभग समझ लीजिए एनसीसी में वार्ड में रोजाना ही 100-200 लोग रोजाना ही उनके स्टाफ के मुताबिक जितने और लोगों के लोग हेल्प कर रहे हैं और इन शाला ये काम आगे भी चलता रहेगा। आज तो इससे एक हफ्ता पहले जो लोगों ने 200 लोगों को दिया था आज भी तकरीबन 200 लोगों को हमने दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट कहाँ पर आप नेक्स्ट 29 नंबर वार्ड में यहीं पर भी हो सकता है आसपास के इलाके में होगा 29 नंबर वार्ड में भी होगा। और उसके अलावा जो अभी जो बारिश की वजह से तूफान की वजह से जो है बहुत सारे बिहार साइड में नुकसान हुआ है हम लोगों की टीम वहाँ भी जा रही है वहाँ पर भी जाकर के काम कर रही है। आप लोग सामान सामान में क्या है देखिए चावल है आटा है दाल है प्याज यही सब जो खाने के लिए सामान होती है जो लोग डेली इसको यूज में इस्तेमाल करते हैं आगे भी आप लोग ऐसे करते रहेंगे। हाँ इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरीके का काम करते रहेंगे। और भी जगह है वहाँ पे बहुत सारा नुकसान है वहाँ हम लोग जा चुके हैं पहले भी और आइंदा दिनों में भी जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे। शाहिद भाई हैं काली फाउंडेशन तरफ से जो लोगों को राशन दे रहे हैं 29 नंबर वार्ड में और अदर्स भी गांव ग्राम में भी जाके दे चुके हैं और ये हम लोग का अगले हफ्ते दिए थे इस बार भी आज भी दिया गया है करीब 200 लोग को। और इसके अलावा हम लोग पूरा 29 नंबर वार्ड में मैंने कल से खाना का भी और ये शाहिद भाई कर रहे हैं काफी दिनों से ही यहाँ के लोगों को काफी खेल कर रहे हैं शाहिद भाई के साथ और आगे भी खेलता चलेगा हम लोग इस तरह काम करता रहेंगे। खाना का जो मसला है खाना तो निकालो बाबू धुला निकालो।